वीडियो और आपका आज वीडियो में स्वागत और आज जो वीडियो हम लेकर उसका टाइटल है फर्स्ट पाकिस्तानी हिंदू गोइंग दिल्ली टू अयोध्या इन न्यू वंदे भारत ट्रेन अयोध्या राम मंदिर इंडिया। तो चलिए देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा है। लेकिन इससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा लोग चैनल का लिंक इंस्टाग्राम में लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। कृपया ध्यान दीजिए, लंच में हमें मिला है मिक्स वेज है, खाना काफी अच्छा है, बिल्कुल घर वाला फील आ रहा है। कहाँ से आए हो आप? दिल्ली से। कहाँ जा रहे हो? अयोध्या जा रहे हैं। जय श्री राम के नाम लगाते हुए जा रहे हैं। बहुत बढ़िया लग रहा है राम जी की पावन धरती पे आकर। जय श्री राम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इस वक्त मैं आ चुका हूँ दिल्ली आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे और यहाँ से मैं जाने वाला अयोध्या। तो आप लोगों को जो है इस पूरी सारी जर्नी दिखाने वाला हूँ। तो देख सकते हैं काफ़ी पीछे यात्री जो है वो रेलवे स्टेशन पे अपनी गाड़ी का वेट कर रहे हैं। आनंद विहार रेलवे स्टेशन जो कि न्यू दिल्ली में पड़ता है। तो देख सकते हैं ये है मॉर्निंग का समय और काफ़ी यात्री यहाँ पे जो वो रात को रुके हुए हैं, स्टे भी कर रहे हैं। ये है बाहर का व्यू और सर्दी भी काफ़ी हो रही है। मैं भी ये सोच रही हूं, काफ़ी ठंड पड़ रही है तो मैंने भी जैकेट वैकेट पहन लिया है। ये सब यात्री हैं और वेटिंग में होंगे ना, और आगे की तरफ से उठाएंगे उनके स्टेशन में जितना थोड़ी खाली हो जाए। उठा रही हैं, सही बात है। ये रात में सुबह सुबह का है, अरे अर्ली मॉर्निंग में इतना रश नहीं होता। और वैसे ही नहीं दोनों होता, कितनी अच्छी लग रही है ना, चमचमाती। हमारी ट्रेन भी आ चुकी है, वंदे भारत मेड इन इंडिया ट्रेन। बहुत ही सुबह लग रही है। ये है रेलवे स्टेशन का व्यू। अभी हम न्यू दिल्ली आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं और ये है वंदे भारत ट्रेन जो कि मेड इन इंडिया ट्रेन है और यहाँ से अब हम जाने वाले हैं अयोध्या धाम की तरफ। ये है वंदे भारत ट्रेन जो कि मेड इन इंडिया है और अंदर से लुक जो है वो बहुत मस्त है, फर्स्ट टाइम जो एक्सपीरियंस करने वाला हूँ मैं। और अभी हम खड़े हैं आनंद विहार रेलवे स्टेशन की तरफ। तो देख सकते हैं मॉर्निंग का समय है और 5:36 हो रहे हैं और अभी हम यहाँ से जाने वाले हैं अयोध्या धाम की तरफ। तो आप लोगों को जो रेलवे स्टेशन भी दिखा देता हूँ कि किस तरीके का रेलवे स्टेशन है दिल्ली का। देख सकते हैं सभी यात्री इंतज़ार कर रहे हैं अयोध्या धाम जाने के लिए। ये है ट्रेन, ये फर्स्ट केबिन है। तो फ्रेंड्स, दिल्ली और अयोध्या तक की आपको पूरी जर्नी दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना है और कमेंट्स में लिख देना जय श्री राम। फ्रेंड्स, 5:47 हो चुके हैं और अब जो है ट्रेन के दरवाजे खोल दिए गए हैं आम पब्लिक के लिए। अब वो धीरे धीरे जाके अपनी सीट्स पर बैठ सकते हैं। फ्रेंड्स, और ट्रेन अंदर से काफी खूबसूरत और बहुत बढ़िया साफ सफाई का ख्याल रखा हुआ है। तो मैं आप लोगों को जो अंदर से भी ट्रेन का व्यू दिखाता हूँ। देख सकते हैं इस तरह के यहाँ पे गेट वगैरह हैं जो ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं। और ये भाई यहाँ का व्यू, तो खुल चुका है डोर आगे की ओर। तो काफ़ी रेलवे के अंदर साफ सफाई का ख्याल रखा हुआ है और सीट भी कंफर्टेबल है। जय श्री राम, जय श्री राम। तो फ्रेंड्स, अभी हम बैठ चुके हैं अपनी सीट पे और सीट काफ़ी कंफर्टेबल है, तो पैर वैर भी रख सकते हो। और ये है कुछ ऐसा सिस्टम। और अभी हमें थोड़ी सी भूख लगी है तो हम अब खाने वाले सैंडविच जो कि हमने बाहर से परचेज़ किया था गाड़ी वाले देंगे, लेकिन अयोध्या से मतलब दिल्ली से जा रही है अयोध्या की तरफ, तो कानपुर जब पहुँचेंगे तब खाना मिलता है। और ये केसर वाला दूध, क्योंकि बच्चे जो काले हों वो ये दूध इस्तेमाल कर सकते हैं क्या बच्चे जो, और ये है कुछ। तो फ्रेंड्स, ट्रेन अभी जा रही है 150 की स्पीड से, लेकिन फील नहीं हो रहा, ऐसे लग रहा है जैसे नॉर्मल स्पीड में जा रही है। ये देखो मेरा सैंडविच भी नहीं हिल रहा, काफ़ी कंफर्टेबल है। तो गाइस, इसमें आप न्यूज़पेपर का भी आनंद ले सकते हैं, आनंद विहार से चले ना इसलिए आनंद ले सकते हैं। मेरी हिंदी कटिना कैफी तरह भाई नहीं ले सकते, सॉरी। अभी टाइम हो चुका चाय का, तो अभी चाय ये देख सकते हैं।
पैसेंजर को शायद मिल रही है। बस चाय की बारी आ चुकी है। फ्रेंड्स थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही है, इस वजह से मैंने कैप पहनी हुई है और अभी चाय का समय हो चुका है। तो ये मिली है पाउडर वाली चाय, जिंजर वाली, और इसको जो मैंने गर्म पानी के अंदर मिक्स करके चाय बना दी है और टेस्ट करता हूँ। जिंजर चाय का टेस्ट अच्छा टेस्ट है। और ये बिस्किट मिले हैं, तो जिस जिसने चाय पीनी आ जाओ भाई, ये सभी लोग चाय पी रहे हैं। तो फ्रेंड्स अभी खाने का समय हो चुका है, तो खाना देने वाले भाई आ चुके हैं। तो खाने में मैं आप लोगों को दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें है। ये जिंजर वाली चाय है जो ऑलरेडी हमने पी ली है, और ये केक है, और ये है दही, और ये है कटलेट, और ये आलू की सब्जी है, और ये है पूरियाँ, चार पूरियाँ हैं। पूरियों से मेरे को पता नहीं क्या क्या होता, बट आज ट्राई करूँगा। और केचप भी है, एक चम्मच भी है, और ये सबको खाना दिया जा रहा है। पहली बार सफ़र कर रहा हूँ मैं वंदे भारत ट्रेन से, और खाना टेस्ट करता हूँ। बहुत बढ़िया टेस्ट है कटलेट का। ये चम्मच लकड़ी का अच्छा है। तो गाइस आप भी आ जाओ खाना खाने। सो फ्रेंड्स फाइनली हम कानपुर पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रेन सिर्फ 2 मिनट रुकी है, बाहर जाने का मौका भी नहीं मिला, वरना मैं आप लोगों को स्टेशन दिखाता। ऊपर से डोर्स भी ऑटोमेटिक है ना। सो गाइस अभी नेक्स्ट स्टेशन आने वाला है लखनऊ। खाना काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल घर वाला फील आ रहा है, जैसे घर का बना खाना है वैसे खाना लग रहा है। और इस तरफ सभी लोग खाना वाना खा रहे हैं, तो खाना खाते हैं फिर मिलते हैं आपसे। सो फ्रेंड्स अभी पहुंच चुके हैं लखनऊ, और ज़्यादा दूर नहीं जा सकते बिकॉज गाड़ी 1 से 2 मिनट रुकती है, और ये है लखनऊ का स्टेशन। गाड़ी सिर्फ 2 मिनट रुकती है, तो रिस्क होता है, फिर ऑटोमेटिक डोर है तो खुलने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। इससे बेटर है कि हम चलते हैं वापस, और यहाँ पे जो सभी डोर हैं वो लॉक्ड होती है, इस तरीके से प्रेस करोगे तो खुलेंगे। तो गाइस अभी हम लखनऊ क्रॉस कर चुके हैं, और सुबह हम 6:10 से जो वो आनंद विहार दिल्ली से ट्रेन हमारी चली थी, वंदे भारत ट्रेन, जो कि मेड इन इंडिया ट्रेन है, और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं, मतलब कि ऑटो लॉक जो है वो डोर होते हैं, मतलब डोर जो है ऑटो लॉक होते हैं, और इसके जो स्टॉप्स वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं, और तो इस गाड़ी के अंदर आप चार्ज भी कर सकते हैं। और दिल्ली से जो है वो अयोध्या के लिए फर्स्ट एसी का 1500 रुपये रेंट है, उसके अंदर आपको फर्स्ट टाइम जो है मॉर्निंग में जो है वो 8 बजे के करीब चाय मिलेगी, सही है, उसके बाद पानी दिया जाएगा, उसके बाद जो है वो ब्रेकफास्ट दिया जाएगा, वो आप लोगों को मैंने दिखाया था, और उसके बाद जो है फिर लंच का टाइम आएगा, वो भी आने वाला है। तो अभी जो हम लखनऊ से क्रॉस करके आगे बढ़े अयोध्या धाम की तरफ, और मैं आपको जो है इस गाड़ी के जो जो फीचर्स हैं वो सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। ये है ट्रेन के अंदर का व्यू, काफ़ी साफ़ सफाई है, और अभी लंच का टाइम हो चुका है, तो सब लोगों को जो है लंच दिया जा रहा है, और जगह जगह आपको जो है ऐसी LCD मिलेगी, इसके अंदर पूरा रूट दिखाया गया है, और टाइम और स्पीड जो है वो चलती रहती है। तो अभी जो नेक्स्ट स्टेशन है वो आने वाला है अयोध्या धाम। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम भाई, कहाँ से आए आप? हम दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आए हैं जी, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। पहले भी आप गए हैं या फर्स्ट टाइम जा रहे हैं? हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। तो ठीक है, ओके जी, बट पूरा जो है हम अच्छे से जय श्री राम के नाम लगाते हुए जाते हैं। फिर अयोध्या धाम में देख सकते हैं खाना आ चुका है हमारा, और इस तरफ जो है खाना पैक किया जा रहा है, बिल्कुल ही साफ सफाई के साथ खाना वगैरह पैक किया जाता है। और ये देखें, और ये हमारे मैम है, और ये देख लो गाइस बाहर का व्यू, काफ़ी फास्ट ट्रेन है, और फुली जो है वो ऑटोमेटिक डोर होते हैं, ये आप प्रेस करोगे तो खुल जाएंगे, प्रेस करते हैं डोर जो खुल जाते हैं, और जगह जगह आपको चार्जिंग सॉकेट दिए गए हैं, तो आप इजीली अपना सेल फोन चार्ज वगैरह कर सकते हो। खिड़कियाँ बहुत बड़ी हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती है। सो फ्रेंड्स तकरीबन 150 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेन भागती है, लेकिन फील नहीं होता कि मतलब कितनी स्पीड से चलने के स्टाइल से पता चल रहा है, काफ़ी अच्छी ट्रेन है। नहीं तो बंदा ऐसे सकते हैं, सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो किसी से बात करने की कोशिश करते हैं। हेलो मैम, क्या नाम है मैम आपका? कहाँ से आए हो आप? दिल्ली से। कहाँ जा रहे हो? अयोध्या जा रहे हैं। पहली बार जा रहे हो? पहले भी गए हो? पहली बार जा रही हूँ।
कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत, मुझे रातों में सपने आने लगे थे राम जी के। अच्छा, मतलब आप बहुत बड़े राम भक्त लग रहे हो। बहुत बड़ी। अच्छा, राम जी के पास दर्शन करके मुझे फाइनली मेरे को ऐसे तसल्ली। अच्छा, मिलेगी। तो आप कितने बजे बैठे थे ट्रेन में? मैं सुबह 6 बजे बैठी थी। अच्छा, सही है। चलो भगवान जी जो आपकी मनोकामना है वो पूरी करे। हाँ, और आई विश की जो भी लोग वहाँ पे जाए सबकी मनोकामना पूरी हो, सबको राम जी बुलाएं हमारी तरह जैसे हम लोग जा रहे हैं आज। और देखो हमने इतना टेस्टी टेस्टी खाना खाया है। अच्छा, तो मैंने भी पहली बार इस ट्रेन में सफ़र किया, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा, मतलब यहाँ पे साफ सफाई देख के। हाँ, और खाना भी पहली बार इतना टेस्टी मिला मुझे, और बहुत अच्छा लगा। फ्लाइट वाली फील आई क्योंकि ऐसे सीट वगैरह फ्लाइट में ही होते थे। अच्छा, तो बहुत अच्छा लग रहा है जाने। ये मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगी सीट। हाँ, जा रहे और तो दर्शन हो जाए अच्छे से। मंदिर के बारे में मतलब आपका क्या कहना, मतलब कैसा लग रहा है? वो तो हम मंदिर जाके पता पड़ेगा क्योंकि अभी तक तो सिर्फ फीलिंग है। ठीक है मैम, धन्यवाद। आप खाना वाना खाएं। और बस, सो फ्रेंड्स अभी 1:20 हो चुके हैं और लंच का टाइम हो चुका है। तो लंच में हमें मिला है मिक्स वेज है, हाँ, चावल है, दाल और पनीर, मटर पनीर है, और ये स्पंज पहली बार मैं खाऊंगा, और ये दही है। प्रयाग खाना काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल घर वाला फील आ रहा है, जैसे घर का बना खाना है वैसे खाना लग रहा है। और इस तरफ सभी लोग खाना वाना खा रहे हैं, तो खाना खाते हैं फिर मिलते हैं आपसे। फर्स्ट टाइम मैं किसी ट्रेन के वाशरूम में आया हूँ वीडियो बनाने के लिए, और यहाँ पे आने के बाद काफ़ी जो है साफ सफाई का ख्याल रखा गया है, और इस तरफ सैनिटाइज़र है, और ये देख सकते हैं रॉक, और ऊपर पूरा नीचे तक जो है ग्रीन व्यू है। नेक्स्ट स्टेशन अयोध्या कैंट। मतलब बड़े जोर से बोला जाता है ना। आ गया ना? हाँ। अंदर से तो हम लोगों ने देखा था जो खाली। अयोध्या पहुंच चुके हैं, तो ये हमारी ट्रेन थी वंदे भारत, और बहुत अच्छा सफर रहा। तकरीबन जो है वो 2:00 हुए और अभी हम अयोध्या धाम पहुंच चुके हैं, और फर्स्ट टाइम मैं अयोध्या आया हूँ और अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी फील कर रहा हूँ। तो अभी जो है वो आप लोगों को अयोध्या धाम के दर्शन करवाएंगे। ये है अयोध्या कैंट स्टेशन, और स्टेशन से हम बाहर आ चुके हैं, अब हम जा रहे हैं आगे की ओर। गाइस अभी दोपहर का समय है और देख सकते हैं पीछे लिखा हुआ है अयोध्या कैंट स्टेशन, और बहुत बढ़िया लग रहा है। राम जी की पावन धरती पे आकर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं अपनी खुशी बयान नहीं कर पा रहा, डोम टाइप बने हुए जो जो भी है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा लकी फील कर रहा हूँ। और ये डिफरेंट है गाइस, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, वीडियो अच्छा लगा मेरे ख्याल होगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सपोर्ट करना ताकि मैं और वीडियो फास्ट पे थी। भाई इंडिया में ना प्रीमियम ट्रेन्स जो है उसका रिवाज तो बड़ी देर से जो है वो चलता आ रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है वंदे भारत ट्रेन जो है ना एक ऐसी ट्रेन है कि भाई बेशक वो इंडियन हो या कोई फॉरेनर हो, ठीक है ना, देख के दिल जरूर खुश होता है। वेल मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली जब कोई पाकिस्तानी जाता है इंडियन इंडिया में और फिर वहाँ पर जाकर वो ट्रैवल करता है, डिफरेंट चीज़ों का अनुभव लेता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मुझे लगता है कि चलो थोड़े थोड़े लोग ही से ही बहुत, मतलब ट्रैवल तो एटलीस्ट कर रहे हैं, वो जानते हैं, और फिर वहाँ से जब लोग एक्सपीरियंस कर वापस आते हैं वो अपने मिलने मिलाने वाले लोगों को उनके बारे में बताते हैं, तो मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में और आपकी सोच में एक चेंज तो ज़रूर आता है। बाकी अगर हम वंदे भारत की बात करें तो हमने बहुत सारी ट्रेन देखी हैं, कम्फर्ट लेवल का हमें पता है। फूड जो है भाई, मुझे लगता है कि भाई फूड की ना बड़ी इंपॉर्टेंस है मेरी लाइफ में, एक लाद अच्छे फूड की हर इंसान की जिंदगी में होती नहीं है। मतलब मैंने देखा है कि हर किसी के अपना अपना टेस्ट रहता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ना अच्छा खाना और सफर में आपको मिल जाए ना तो आपका सफर जो है ना वो मुझे लगता है और ज्यादा अच्छा हो जाता है। यार कहते हैं सफर में या तो अच्छा कोई आपके साथ हो बंदा, ठीक है, जो आपके साथ बातें चाहते करे, कंपनी अच्छी होनी चाहिए या खाना अच्छा होना चाहिए, ये दोनों चीज़ें आपको अगर मिल जाए ना आपका सफ़र बड़ा निराला जो है ना वो गुजरता है। वैसे इंडियन रेलवेज की जो IRCTC है जो उसका एक डिपार्टमेंट है, उसकी अगर बात कीजिए तो भाई नो डाउट डिफरेंट डिफरेंट ट्रेन में उनकी केटरिंग की जो सर्विसेज हैं वो आपको
बहुत वेल मैनेज्ड जो है वो नजर आती हैं। आपको खाना जो है वो फ्रेश हमेशा आपको दिखाई देता है। इवन के मैं ये बात बोलूंगी कि आपको काफी ज्यादा वैरायटी नजर आती है। हम लोगों ने ये ट्रेन में, मैं देखूंगा अगर बात करूं तो इंडियन ट्रेन में ही हम लोगों ने पहली दफा देखा कि जैसे आपको प्लेन में इतना ज्यादा फूड वैरायटी मिलती है, उसी तरीके से आपको ट्रेन में भी मिलती है। बिल्कुल। फिर एक चीज और बहुत मुझे अच्छी लगती है कि देखो ट्रेन अभी भी बहुत साफ सुथरी है। हाँ। फिर उसके अलावा वॉशरूम देखो वो बहुत क्लीन है, और मुझे लगता है कि यही चीज होती है कि जो आपके ना सफर को और ज्यादा अच्छा कर देती है। भाई देखे ना कि क्या नाम लेते हैं, अगर आप ट्रेन एक सर्विस चला रहे हैं ठीक है ना, तो भाई उसकी मेंटेनेंस का आप कितना ज्यादा ख्याल रखते हैं। सारी ट्रेन चलती ही उसी पर, जितना आप उसे वेल मेंटेन्ड रखेंगे उतना ज्यादा एक तो उसकी एज होगी और उतना अच्छा जो है लोगों को उसमें जो है फील होगा। और फिर स्पीड देखो कि इतनी ज्यादा स्पीड, और उसके बावजूद अगर वो चल रहे हैं मतलब वॉक करते हुए भी इंसान ये है कि उसका बैलेंस आउट नहीं होता। नहीं वैसे अगर यहाँ पर सीरियसली थोड़ी सी यहाँ पर बैठे हुए तो होते ही है लाइक, लेकिन ये कि मैंने पाकिस्तान ट्रेन में देखा कि अगर जैसे वो बहुत तेज चलती है ना तो आपको एकदम चलते चलते थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ता है, फिर आप चलते हो मतलब आप आउट ऑफ कंट्रोल जा रहे हो। बिल्कुल होता है भाई, ऐसे में वो ट्रैक की और फिर ट्रेन की भी बात आ जाती है कि भाई इंडिया में ट्रैक, अगर फिर वही बात आ गई कि ना ट्रैक अपग्रेड किया उन्होंने, हमारे यहाँ पर वही ट्रैक है, बस ये है कि वो ट्रैक थोड़ा सा खराब होता है, रिप्लेस कर दिया जाता है या स्लीपर ज्यादा ज्यादा बहुत सारे मेन लाइन पर आपको फिर भी बेहतर देखने को मिलता है, लेकिन ब्रांच लाइन में जो है ना भाई वो बुरा ही हाल है। भैया आप जब सरगोधा गए थे तो आपको अंदाजा ही है ट्रेन के जो है वो हिल रहा है, और बगाते भी वो बड़ी तेज, आई थिंक 110 120 की स्पीड पर थी, 110 120 के बीच में ही ट्रेन यहां पर चलती है, और हम 120 की स्पीड में डर गए थे, आप इमेजिन कर सकते हैं। वैसे ब्लॉग भी है उसका, उस मतलब वीडियो का जिसमें ये ट्रेन वाला, बट ये कि ये चीज मुझे यहाँ पर बहुत अच्छी लग रही है। और मेरा ख्याल है कि भाई आप जो है ना पाकिस्तान से अगर इंडिया जाते हैं, इंडिया की ट्रेन देखते हैं, खासतौर पर वहाँ पे जो आपको राजधानी टोरंटो और ये वंदे भारत जो है देखने को मिलती हैं, तो भाई नो डाउट एक बार आपकी उसकी साफ सफाई देख कर ना हैरान जरूर होंगे, क्योंकि हमने जितनी भी आते ट्रेन की वीडियो देखी ना, आपको वॉशरूम बहुत नीट एंड क्लीन मिले हैं, और 1500 मिले तो ज्यादा फेयर नहीं है, बहुत सही है। टाइम का आपको खाना भी तो मिल रहा है ना, चाय मिल रही है, बीच में डिजर्ट में भी कुछ ना कुछ मिल रहा है। मेरा ख्याल है कि अगर इतना आप स्टेशन से भी उतर के इतनी चीजें लें तो आपके अच्छे खासे पैसे जो है वो बन जाते हैं। इंडिया में तो वैसे रेट कंट्रोल्ड होते हैं स्टेशन पे आपको देखने को मिलते हैं, यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चार्ज जो है वो किया जाता है। अच्छा वैसे वहाँ पर बाहर जो होते हैं वही वाले होते हैं? नहीं नहीं वो तो नहीं होते होंगे एग्जैक्ट, लेकिन मेरा ख्याल कंट्रोल्ड होते हैं, जो रेलवे के डिपार्टमेंट की तरफ से जो है ना जो एक नोटिस होता होगा कि इतने से ज्यादा प्राइस वो नहीं रख सकते। यहाँ पर तो डबल प्राइस हमें पे करनी पड़ती है वैसे ऑलमोस्ट, है ना? बिल्कुल ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट एयरपोर्ट के अंदर ट्रिपल, एयरपोर्ट के अंदर तो भाई बस छोड़ ही देना, बस कुछ एयरपोर्ट पे अब वो जो लास्ट हमने जिक्र किया था बेकरी जो बनी थी उसमें तो ओके नॉर्मल रेट था, लेकिन अगर बाकी की बात करें तो आपको कॉस्टली जो है वो चीजें मिलती हैं। वेल ओवरऑल मैं कहूंगी बहुत अच्छी वीडियो थी, बहुत अच्छा लगा देखकर, एंड आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। और इसी के साथ